विकलांगत पेंशन के नए नियमों को कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि सीमा पर खड़े सैनिकों के मान सम्मान पर सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया गया है। रोहित चौधरी ने कहा कि अगर मोदी सरकार सेना के साथ खड़ी होती तो आज सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन मिल चुकी होती। 150 साल पुराने 62 कॉन्टमैन बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। शॉर्ट सर्विस सैनिकों से उनके हक छीन लिए गए हैं। रोहित चौधरी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि यह इस देश की सुरक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रहार है। क्या सरकार ऐसी स्थिति लाना चाहती है जिससे देश के पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे? देश की सरहदों पर खड़े सैनिक शंका में रहेगी कि यदि कल मुझे डिसेबिलिटी हो गई तो मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा? कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद उन्हें बार बार सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। नेपाल सरकार ने कहा कि अग्निपथ स्कीम में हम अपने जवान नहीं भेजेंगे, गोरखा नहीं भेजेंगे। चाइना ने कहा कि हम उनको अपने चाइना की सेना में ले जाएंगे। अगर वही जवान जो हिंदुस्तान की फौज में काम कर रहा है और वही चाइना की फौज में काम करेगा तो कितना बड़ा नुकसान। ये बात समझने की है कि ये बीजेपी की सरकार अपना झूठा राष्ट्रवाद फौज के कंधों पर रख कर चलाती है, देशभक्त बनती है। मोदी साहब दिवाली और होली फौजियों के साथ उनके कैंपों में सियाचिन में या दराज में कारगिल में जाकर मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में फौज के प्रति ना कोई मान है ना कोई सम्मान है। और ऐसा अगर मान और सम्मान होता तो ना ही वो अग्निपथ स्कीम लाते, ना ही वो ORP 2 में विसंगतियाँ लाते और ना ही वो डिसेबल्ड सोल्जर के लिए इतना बड़ा गलत कदम उठाते हुए न्यू पेंशन स्कीम लाते। तो ये साथियों आप लोगों को घर घर ले जाकर बताने की ज़रूरत है कि अपनी एक रचना है रश्मि रति, आपने शायद पढ़ी हो, उसके कुछ पंक्तियों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं कवि नहीं हूँ तो मुझे इसलिए पढ़ के बताना पड़ेगा कि जब ये दृश्य वो है, आप तो देवभूमि के आपको तो सब मालूम होगा, ये दृश्य वो है जब कृष्ण भगवान दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं कि किसी तरह से महाभारत का युद्ध टल जाएगा और वो दरबार में भरे दरबार में कहते हैं कि मांगते हैं कि न्याय दीजिए, पांडवों को न्याय दीजिए, अगर न्याय नहीं दे सकते कम से कम 5 गांव तो दे दीजिए, 5 गांव तो दे दीजिए। और आज ये हमारी ये दृश्य मुझे क्यों याद आता है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसमें टोटल देश में जो खर्चा होता है, एक एनुअल इनकम जो एनुअल जो खर्चा होता है आउटले है वो 10,000 करोड़ का है। और ये जो इनकम टैक्स और ये सब जो कार्रवाई की है मोदी जी ने, इससे कितने पैसे बचाएंगे? 4,000 करोड़। मोदी जी 4,000 करोड़ तो बचाने लग रहे हो, 8,000 करोड़ के जहाज में घूमते हो, सरकार 8,000 करोड़ उनके ऊपर खर्च कर सकती है लेकिन सैनिकों के ऊपर 4,000 करोड़। सवाल पूछो, अडानी जी के लिए अपने इंडस्ट्रियल साथियों के लिए 1,15,000 करोड़ उनके कर्ज माफ कर सकते हो, लेकिन फौजियों के लिए 4,000 करोड़ की डिसेबिलिटी के लिए खर्चा नहीं कर सकते। तो ये दृश्य मुझे वहीं ले जाता है। और इन पांडवों के लिए न्याय व 5 गांव मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन धरी को बांधने चला, बांधने का आदेश देता है। और इस दृश्य के बारे में कवि कहते हैं, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे धरी को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आज ये दृश्य इस खत्म हुए विवेक की तरफ जरूर अंकित करता है हमारे
ध्यान को लेके जाता है। और हम अपने मोदी जी को बताना चाहेंगे, मोदी देश के आदरणीय मेहमान, आज इस देव भूमि पर और सैन्य भूमि पर आने पर मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये मेरा दूसरा घर है। क्योंकि मैंने 3.5 साल से ज़्यादा जोशीमठ में और इस उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में अपनी सेवा दी है। हमारे साथ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मतदाता जोशी जी, आप हमारे चेयरमैन हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के उत्तराखंड में, और बाकी जितने भी हमारे सैनिक साथी हमारे साथ हैं हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने पर। और प्रेस के साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इस बात को, क्योंकि आप देवभूमि है, आपके यहाँ महाभारत का रामायण का इतिहास है, आपके यहाँ से आपके घर घर से फौजी है, तो आप लोगों की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि आप इस संदेश को घर घर में पहुँचाएं कि किस तरह से मोदी सरकार, उन्होंने फौज को तरकीब से सिलसिलेवार तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर एक भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए देश में मान और सम्मान जो हमारे सैनिकों को दिया जाता था, वो उनसे लूटने का काम किया। वैसे तो मोदी सरकार बहुत समय से 9.5 साल से जब से आई है देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर, लेकिन जो हमारी पुरानी सरकारों ने जो हमारे फौजियों को उनको मान सम्मान देते हुए जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पर सड़क पर खड़े होकर गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, बारिश में, तूफान में, -30 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री, राजस्थान में 7 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, जहाँ पर अगर आप टैंक के ऊपर, लोहे के ऊपर हाथ रखो तो आपके हाथ गर्मी से चिपक जाते हैं, और ऐसे ही -50 डिग्री में जब आप लोहे के ऊपर हाथ रखते हो तो आपके हाथ चिपक जाते हैं, आपकी स्किन चिपक जाती है। ऐसी जगहों पे काम करने वाले लोगों को, अपने देश की सेना को देश के सरकारों ने सम्मानित करते हुए एक डिसेबिलिटी पेंशन के तौर पे कंपनसेट करने की कोशिश की। आज मोदी सरकार ने इसी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर एक भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए एक नई पेंशन पॉलिसी ली। इस नई पेंशन पॉलिसी के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये किस तरह से आपकी इकोनॉमी को खराब करेगी, आपके परिवारों को खराब करेगी, और आपके सैनिक के मृत्यु के बाद कैसे हमारी वीर नारियों को और उनके परिवारों को किस तरह से। हमने इसी संजीदा विषय को लेते हुए दिल्ली में बहुत सारी पूर्व सैनिक संगठनों को बुलाया, रिक्वेस्ट किया कि आप आइए अपने विचार रखिए। सभी पूर्व सैनिक संगठनों ने मिलकर एक सुर में, एक आवाज में इस नई पेंशन पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, और सरकार को कहा है कि इसको तुरंत वापस करें। इस पेंशन पॉलिसी के, डिसेबिलिटी पेंशन पॉलिसी के कुछ अभेद
और कुछ अहम बिंदु है जो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। साथियों, जब भी हमारा कोई सैनिक हताहत होता है, या तो वो अपना बलिदान देता है या बलिदान देते हुए कहीं हताहत हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है, तो डिसेबिलिटी उसकी फिक्स की जाती है। उस डिसेबिलिटी के तहत उसको जब वो रिटायर होता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। एक तो नॉर्मल पेंशन और उसके साथ साथ जो उसका डिसेबिलिटी एलिमेंट है, वो दोनों मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाता है। इसने नाम बदल दिया है और इसका नाम पेंशन से हटाकर इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ बना दिया गया है। और इसके अंदर जो प्रोविजन रखा गया है कि जैसे ही सैनिक की मृत्यु होगी तो ये इम्पेयरमेंट रिलीफ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि जो डिसेबिलिटी पेंशन के दो एलिमेंट थे, एक खत्म। अगर आपको 100 रुपया पेंशन मिलती थी और 100% डिसेबिलिटी में आपको 100 के साथ 100 रुपया और पेंशन मिलती थी, 200 मिलता था, तो 100 रुपया आपकी मृत्यु के साथ खत्म। और जैसे ही आपने डिसेबिलिटी पेंशन को इम्पेयरमेंट रिलीफ बनाया तो इनकम टैक्स एक्ट उसको डिसेबिलिटी पेंशन तो समझता है, इम्पेयरमेंट रिलीफ को नहीं समझता। ये कंप्लीट डिसेबिलिटी एलिमेंट जो हुआ करता था, वो सारा का सारा 200 रुपया जो पेंशन थी, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती। आज उसको टैक्सेबल बना दिया गया। क्या ये सैनिकों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है? है। और अगर किसी जवान, किसी हमारे सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट, जिसको आज नया नाम दिया है इम्पेयरमेंट रिलीफ, ये खत्म। और उसके बाद उसकी वाइफ को, हमारी वीर नारी को 100 रुपया पेंशन के एवज में 60% उसका दिया जाता है, तो ये 60 रुपया बचा। तो 200 रुपये की पेंशन 60 रुपये में तब्दील हो गई। इनकम टैक्स आ गया तो 9 रुपये और चला गया, तो 51 रुपया। तो हमारे एक सैनिक जो डिसेबल था, उसकी पेंशन को आपने 200 रुपये से घटाकर सीधा हमारी वीर नारी के लिए 51 रुपये मिलता था। वो कहाँ जाता? वो हमारे देश में, गांव में, गली में, हर जगह नुक्कड़ में दुकानदारों के पास, इकोनॉमी को सर्कुलेट करने का काम करता था। ये कहाँ गया? ये पैसा जो है एक तिहाई का। ये साथियों, ये बहुत बड़ी एक बात है कि ये इकोनॉमी खत्म कर रही है, इकोनॉमी खत्म कर रही है आपकी। 50 से 60% इकोनॉमी जो है इसी पैसे से, जो हमारे जवान सेवा में, सेना में काम करते थे, वो जब घर आते थे अपना मनी ऑर्डर भेजते थे, उससे घर चलते थे, सारी इकोनॉमी सर्कुलेट हुई। आज ये खत्म। साथियों, ये मोदी सरकार का पहला कदम नहीं है, ये मोदी सरकार की सिलसिलेवार कार्रवाई है। इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू नहीं किया, वो एक वन टाइम एनहेंसमेंट हो गई। उसके बाद इन्होंने OROP 2 लागू किया, जिसमें JCO जवानों के पैरिटी को कम कर दिया, उनकी पे कम कर दी और उससे पेंशन कम कर दी, तो उससे उनका नुकसान हो। और इसके बाद तो सबसे बड़ा जो नुकसान इन्होंने किया है, आपके इस वीर भूमि के इलाके में जहाँ गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल स्काउट्स है, कुमाऊं स्काउट्स है, वन नागा है, बॉर्डर स्लो लगते हैं, गोरखा रेजिमेंट है, ये सारे लोगों के जो जो फीडिंग ग्राउंड है, जो रिक्रूटमेंट होती थी, वो हमारे गढ़वाल के गली कूचे, गांव, कस्बे,
हर जगह से नुक्कड़ से हर जगह से आज ये रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के नाम पे बंद हो गई है। हमारा जवान 18 साल में भर्ती होगा चौक और 4 साल की सेवा देकर 22 साल में सेवानिवृत्त, और अगर ये सेवानिवृत्त होने से पहले डिसेबल हो गया तो उसका हश्र आपने देख लिया क्या बनेगा। और ये जो अग्निपथ के जरिए देश की सुरक्षा प्रणाली को कम और खिलवाड़ करने का जो इन्होंने काम किया है, कमज़ोर करने का काम किया है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके तहत उन्होंने एक नई पेंशन पॉलिसी जारी की है 21 सितंबर को, और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ के तरह से उसका नाम दे दिया गया है। जैसे ही नाम बदला तो इनकम टैक्स रिलीफ खत्म, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ को कुछ नहीं मानता और चाहता। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने हमारे सैनिक लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपने काम करते हुए ताहत हो जाते हैं, एक्सग्रेशिया अमाउंट मिलता था, तो ये एक एक्सग्रेशिया अमाउंट मंत्री के तौर पर इसको बना दिया। और इन्होंने इस मैं आपको एक इनका ऑर्डर दिखाऊंगा जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जैसे ही सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कोई पेंशन नहीं है, तो इसका कोई भी बेनिफिट फैमिली पेंशन के तौर पर फैमिली को बाद में नहीं मिलेगा। ये देश के पूर्व सरकारों ने मान और सम्मान फौज का रखते हुए, सैनिकों का रखते हुए, उनकी जो सेवा देश की सरहदों पे दी हुई सेवा को मान सम्मान देते हुए जो उन्होंने काम किया था उसको ख़त्म करेगा। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी एक गलती है, इसको हमने सभी सैनिक संगठनों ने दिल्ली में बैठक करके इसको पहले ही प्राइमा फेसी रिजेक्ट किया है। इसके अलावा अगर कोई हमारा सैनिक पहले 2 दिन की सेवा के अंदर भी अगर हताहत हो जाता था या उसको डिसेबल हो जाता था तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, लेकिन आज वो बंद कर दिया है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल कर दी गई है, तो क्या इसका मतलब 10 साल तक अगर उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है लड़ाई लड़ते हुए तो सरकार और देश उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, और 4 साल में जो हमारे अग्निवीर आएंगे तो वो डिसेबिलिटी के एलिमेंट के हिसाब से पूरी तरह से बाहर है, तो क्या हमारे लिए अग्निवीर लड़ाई लड़ने के लिए सरहद के ऊपर इतना वादा दिखाएंगे कि वो अपने जान जोखिम में डालें? तो ये देश की सुरक्षा प्रणाली को घर कर इन्होंने पूरी तरह से खिलवाड़ किया है। उसके साथ अग्निवीर को आउट कर दिया इन्वेलपमेंट के लिए, उसको 10 साल मिनिमम एलिजिबिलिटी कर दी। उसके बाद हमारी जो विधवाएं हैं, हमारी जो वीर नारियां हैं, जैसे ही हमारे सैनिक जिसको पेंशन मिल रही थी, पेंशन का जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है जिस दिन वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ख़त्म हो जाएगा, और हमारी जो वीर नारी है उसकी पेंशन एक तिहाई हो जाएगी, जो आज उसका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे एक तिहाई से कम। इस पेंशन प्रणाली के तहत इनकम टैक्स एक्ट में जो हमें राहत मिली थी वो खत्म हो गई। देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी जी आज क्यों व्यवहार कर रहे हैं? देश की चलती हुई इकोनॉमी के साथ, देश की चलती हुई फौज के साथ, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ आप क्यों व्यवहार करते हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको देश के सैनिकों के साथ दिवाली और होली मनाने का कोई अधिकार नहीं है। हम आज आपसे ये कहते हैं कि अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे तो हम हर हालत में 2024 में आपको इस मगरूर सत्ता से बेदखल करके गुजरात वापस भेजेंगे, और देश भर के अंदर एक आंदोलन खड़ा करेंगे। आज हम वीर भूमि के अंदर आए हैं, वीर भूमि के जवानों को और उनके परिवारों को हम इस बात से अवगत कराएंगे कि मोदी जी ने कितना बड़ा उनके लिए नुकसान किया। धन्यवाद। रोहित जी, अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर ही। देखिए, ऐसा है कि होम मिनिस्टर
का दायित्व बहुत बड़ा है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं। आज वो अच्छा हुआ कि आज वो यहाँ पर आ रहे हैं और आज ही हमारी ये प्रेस वार्ता है ताकि उनके कानों में ये बात जाए कि पूर्व सैनिक पूरे देश भर के अंदर इस बात से नाराज़ है कि आपने पहले उनकी कुआरोपी वन नहीं की, फिर कुआरोपी टू नहीं की और आज उनको कमज़ोर करने के लिए उनके मान और सम्मान को ठेस पहुँचाते हुए उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को वापस दिया। तो इसलिए आप यहाँ से दिल्ली जाएं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को और प्रधानमंत्री जी को बताएं कि देवभूमि के पूर्व सैनिकों ने कमर कस ली है, अगर वो इसको डिसेबिलिटी पेंशन को वापस, इस पॉलिसी को वापस नहीं करते हैं तो हमें इस डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड से भी। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।